गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स आई एम ऊषा गाबा योर साइंस टीचर टुडे वी आर गोइंग टू रिवाइज चैप्टर नंबर सेवन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड आज हम रिवाइज करेंगे चैप्टर नंबर सेवन सेफ्टी एंड फर्स्ट एड इन दिस चैप्टर फर्स्ट ऑफ ऑल वी विल रिवाइज वेरी शोर्ट क्वेश्चन आंसर ओके क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज फ्रैक्चर फ्रैक्चर क्या होता है एनी ब्रेक और क्रैक इन द बोन इस कॉल्ड फ्रैक्चर हड्डी में जब कोई ब्रेक आ जाता है या क्रैक पड़ जाता है उसे हम फ्रैक्चर कहते हैं क्वेश्चन नंबर टू नेम एनी टू एंटीसेप्टिक लोशन किन्हीं दो एंटीसेप्टिक लोशन के नाम बताने हैं डिटॉल एंड सैवलॉन क्वेश्चन थ्री नेम द डिसीज कॉज बाय डॉग बाइट डॉग के काटने से कौन सी बीमारी होती है रेबीज क्वेश्चन नंबर फोर नेम फोर थिंग्स डैट मस्ट बी कैप्ट इन फर्स्ट एड बॉक्स फर्स्ट एड बॉक्स में रखी जाने वाली चार चीजों के नाम बताने हैं जो हम फर्स्ट एड बॉक्स में रखते हैं फर्स्ट कॉटन बैंडेज डिटॉल आयोडिक्स बच्चों ये वो चीज़ें हैं जो हमारे फर्स्ट एड बॉक्स में होनी ज़रूरी हैं शॉर्ट क्वेश्चन आंसर क्वेश्चन नंबर वन वॉट इज फर्स्ट एड फर्स्ट एड क्या है? है होती है? गिव टू एग्जाम्पल्स ऑफ सिचुएशंस व्हेन फर्स्ट एड इट इज नीडेड। दो एग्जाम्पल बताने हैं उन सिचुएशंस के जब फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है आंसर फर्स्ट एड क्या होता है फर्स्ट एड द इमीडिएट हेल्प गिवन टू एन इंजर्ड पर्सन बिफोर अराइवल द डॉक्टर इज कॉल्ड फर्स्ट एड डॉक्टर के आने से पहले किसी घायल व्यक्ति को जो प्राथमिक चिकित्सा दी जाती है उसे क्या कहते हैं फर्स्ट एड टू सिचुएशंस व्हेन फर्स्ट एड इज़ नीडेड माइनर कट्स एंड बाउंड अगर छोटी सी कट लग जाता है या चोट लगती है तब हमें फर्स्ट एड की आवश्यकता होती है नंबर टू नोज ब्लीडिंग नोज ब्लीडिंग में जो हम फर्स्ट एड देते हैं ठीक है ये भी वो सिचुएशन है जब हमें फर्स्ट एड की ज़रूरत होती है क्वेश्चन नंबर टू व्हाट फर्स्ट एड शुड बी गिवन इन केस ऑफ स्नैक बाइट सांप के काटने पर हम हमें क्या फर्स्ट एड देनी चाहिए आंसर फर्स्ट एड इन केस ऑफ स्नैक बाइट सांप के काटने पर प्राथमिक चिकित्सा नंबर वन इफ अ स्नैक बाइट अप्लाई अ टाइट बैंडेज जस्ट अबव द बाइट टू स्टॉप द फ्लो ऑफ ब्लड टू द हार्ट एंड ब्रेन अगर किसी स्थान पर स्नेक ने बाइट किया है तो सबसे पहले वहाँ हम ऊपर की तरफ एक टाइट बैंडेज कपड़ा बांध देते हैं क्यों ताकि जो ब्लड का फ्लो है वो हार्ट और ब्रेन की तरफ ना जा सके नंबर टू ट्राई टू गेट पॉइजन आउट फ्रॉम द वाउंड एज क्विकली एज पॉसिबल जितनी जल्दी हो सके पॉइजन को जख्म से बाहर निकालने की कोशिश करनी चाहिए टेक द विक्टिम टू द डॉक्टर और उसके बाद विक्टिम को डॉक्टर के पास ले जाना चाहिए क्वेश्चन नंबर थ्री वॉट विल यू डू एज अ फर्स्ट एड इफ यू गैट बर्न आप क्या फर्स्ट एड दोगे अगर आपको जल गया है हाथ में तो फर्स्ट एड इन केस ऑफ बर्न इन केस ऑफ माइनर बर्न अगर आप के हाँ में क्या हाथ में छोटा सा जला है द बर्न एरिया शुड बी हेल्ड अंडर कूल रनिंग वाटर तो उस एरिया को जले हुए पार्ट को हमें चलते हुए पानी में रखना चाहिए उसके बाद एंटी सेप्टिक क्रीम शुड बी अप्लाइड ऑन देम इसके बाद उस पर हमें एंटीसेप्टिक क्रीम लगा देनी चाहिए ठंडे पानी के नीचे की ओर रखना चाहिए ताकि वहाँ छाली ना पड़े और उसके बाद वहाँ पर एंटीसेप्टिक क्रीम को अप्लाई करना चाहिए क्वेश्चन नंबर फोर हाउ वुड यू हेल्प if a person get a minor cut or a deep cut? अगर किसी को माइनर कट या डीप कट लगा है तो आप क्या फर्स्ट एड दोगे आंसर माइनर कट में ट्राई टू रिमूव ऑल द डर्ट फ्रॉम बाउंड विद स्मॉल पैड्स ऑफ कॉटन सोक्ड इन डिटॉल डिटॉल में सोक किए हुए कॉटन के स्मेल स्मॉल पैड से हम उस एरिया पे जितनी भी डर्ट होगी उसको रिमूव करेंगे सेकेंड कवर द बाउंड विद क्लीन कॉटन ड्रेसिंग टू स्टॉप द ब्लीडिंग और जख्म वाले हिस्से को साफ रुई के साथ ड्रेसिंग करेंगे हम ताकि ब्लड को रोका जा सके फर्स्टेड इन डीप कट्स अगर गहरा कट लगाए तो फर्स्टली वॉश द वाउंड विथ सोप एंड वाटर सबसे पहले जो वाउंड है जखम है उसे साबुन और पानी से अच्छी तरह से साफ करेंगे मेक अथिक पैड एंड प्रेस इथ कवर ओवर द वाउंड उसके बाद एक रुई लेकर मोटी से ज़्यादा सारी रुई लेकर उसको प्रेस करेंगे जख्म को नंबर थ्री इफ द ब्लीडिंग डज नॉट स्टॉप अगर ब्लीडिंग नहीं रुकती है टाइट बैंडेज टू स्टॉप ब्लीडिंग तो ब्लीडिंग को रोकने के लिए वहाँ पर टाइट बैंडेज बांधेंगे क्वेश्चन नंबर फाइव हाउ वोड यू हैव द पर्सन विथ स्प्रेन अगर किसी को स्प्रेन हुआ है तो आप उसकी हेल्प कैसे करोगे फर्स्ट एड इन स्प्रेन यूज अ कोल्ड आइस पैक और स्प्रे ऑन स्प्रेन एरिया एज सुन एज पॉसिबल आइस पैक्स लेकर हम जो वहाँ पर मो चाहिए उस एरिया पर अप्लाई करेंगे नंबर टू रब द ऑइंटमेंट सच एज मूव मूव है या रिलैक्सल है इस तरह से ऑइंटमेंट को वहाँ पर हम रब करेंगे अच्छे से मसल देंगे एंड देन रैप द क्रेप बैंडेज अराउंड द स्प्रेन जॉइंट आफ्टर रबिंग द ऑइंटमेंट और ऑइंटमेंट लगाने के बाद उस एरिया को हम क्रैप बैंडेज से बांध देंगे नाउ डिफाइन द फॉलोइंग फर्स्ट है रूल्स ऑफ सेफ्टी सेफ्टी के क्या रूल्स होते हैं सेफ्टी रूल्स आर फॉलोड फॉर प्री प्रकॉशन और एनी सेफ्टी सेफ्टी रूल्स किस लिए होते हैं सेफ्टी के लिए बचाव के लिए ठीक है नंबर टू फर्स्ट एड फर्स्ट ऐड क्या होती है द इमीडिएट हैिवन टू ए इंजर्ड पर्सन इज कॉल्ड फर्स्ट एड डॉक्टर के आने से पहले जो हम इमीडिएट हेल्प देते हैं दैट इज कॉल्ड फर्स्ट एड नंबर थ्री सलाइवा व्हाट इज सलाइवा सलाइवा क्या होता है सलाइवा इज द लिक्विड दैट इज प्रोड्यूस इन द माउथ सलाइवा क्या होता है एक लिक्विड होता है जो हमारे माउथ में प्रोड्यूस होता है ओके स्टूडेंट्स नाउ लर्न द क्वेश्चन आंसर वेरी केयरफुली एंड डू द गिवन वर्कशीट ओके थैंक यू स्टूडेंट्स